वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हाँ हरजीत सिंह ते मैं जा रहा हूँ जी ऑस्ट्रिया टू इंडिया बाय रोड विद माय कैंपर एंड माय फोर्ड रेंजर। इस टाइम मैं क्रोएशिया दे विच हाँ ते इस कैंपिंग साइट ते रहे हाँ 2 रातां लगातार। ते अज दी रूटीन मारे कृपा नाल फॉलो हो गई आ। थोड़ा जिहा लेट ही उठे अज क्योंकि रात ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई सी, बारिश का दी गड़े पै रहे सन राती। मैं शूट भी किया तुहानू दिखाउण वास्ते, मैनू तो यह डर सी कि गड्डी का जो शीशा वगैरह सारा टुटिया होएगा सवेरे, जिन्नी जबरदस्त गड़े पै रहे सी। पर चलो मारे कृपा दे नाल कोई नुकसान नहीं होया अपना। बट इस कैंपिंग साइट ते मज़ा आया, रह के एक रात रहना सी, 2 रातां लगातार रह लिया क्योंकि फैसिलिटीज काफ़ी सन। ते वैसे भी ऑफ सीजन आ, कोई ज़्यादा रश नहीं सी इत्थे, मज़ा आया रह के इत्थे। फिर मज़े मज़े नाल चलते हैं। वैसे भी 3 महीने जो सफ़र अपना कंप्लीट करना, रहना आपां इदां रिलैक्स मज़े लेंदे जाना। मैं ट्रैवल करदा 2 तों 3 घंटे तो बाद ड्राइव नहीं करदा कितें आ। 4 घंटे ड्राइव करनी पई आ, वह भी मजबूरी कर। स्विट्जरलैंड तो इटली जाना पिया 4 घंटे की ड्राइव करके, वह भी चलो प्यार वास्ते जाना पैंदा, वीरां ने बुलाया सी ते प्यार वास्ते चले गए। उदा जिहड़ा मेरा स्कैड्यूल आ वो ये आ कि 2 तों 3 घंटे ड्राइव, इस तों बाद ड्राइव नहीं करने। तो हुण भी इतों जी अगली मेरी डेस्टिनेशन आ वो आ स्प्लिट। स्प्लिट तो बाद फिर अगली कंट्री च एंटर होए ना, क्रोएशिया च अज मेरा 3रा दिन आ। स्प्लिट रह के 4थे दिन फिर आप वड़ जाना बोजनिया कंट्री च। फिलहाल कि जो इतों मारी चाल आ स्प्लिट सिटी वाल नूं। लो जी कैंपर मैं पार्क करता इत्थे ते जाके पहला चेकआउट कर लिए। हेलो, थैंक यू सो मच। चेकआउट अपना हो गया, हुण तुहाडे लई सवाल आ। जिहड़े भी मेरे व्लॉग वेंदे ने, तुसीं दसो कि इह मैनूं किन्ने यूरो ना पर नाइट पई आ। 2 नाइट्स मैं इस कैंपिंग साइट ते रहा वां। हुण तुसीं भी अपनी हिम्मत दिखाओ, कॉमेंट बॉक्स विच थोड़ा टाइप करो। तो पिछले जिहड़े व्लॉग जिन्हां ने देखे आ वो तो दस सकदे, जिन्हां नहीं व्लॉग देखे आ वो जाके पिछला व्लॉग देखो। तो दसो मैनूं किन्ने यूरो दे विच इह मैनूं इत्थे कैंपिंग साइट नाइट पई आ। चलो चलदे फिर सिटी आपां स्प्लिट एक्सप्लोर कर ली। देखो जी लोग सड़कों पर जाते जाते भी सानू ब्लैसिंग्स दे ही जा रहे हैं, तो गुड लक कह रहे हैं। थोड़ा जा समान वगैरह कुछ ले लिए, सारा ही खत्म हो गया समान। तो रस्ते वास्ते भी कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए। मैं राती यार देखा सीगा नैविगेशन च पा के, नैविगेशन दस रहा ही 1.5 घंटे च पहुंच जाना, पता नहीं हूँ दस रहा 2 घंटे 40 मिनट लगने इतों स्प्लिट सिटी तक। देखो स्नैक्स वगैरह भी ले लिए, है नहीं इस टाइम स्नैक्स कुछ नाल। आ एक स्टोर है जितों सोच रहे हैं कि ले लिए। हैल्थी स्नैक्स यार हद होगी। शॉपिंग करदे करदे माइक का उपर वाले जो फिल्टर से उतरे डिग गया, लभी होने एक कोई ट्राई मार लेना सारे जाके लगता है आना सफल हो गया, लभ ही गया। अगे आवाज नहीं थी सही तो हम फिल्टर तो बिना बिल्कुल ही बेकार आ रही होनी है। शॉपिंग होगी 34 यूरो का समान पिया। ऑस्ट्रिया तो लैके क्रोएशिया तक महंगाई अजे तक कोई फर्क नहीं, उन्नी दी उन्नी महंगाई आ। ऑस्ट्रिया च भी इहो सी प्राइस चलन दे चीजा दे, जो भी अपने ग्रोसरी का समान लिया क्रोएशिया तक आ गया महंगाई उदा ही आ। जे थोड़ा जा समान लिया यार 34 यूरो 10 सेंट का समान आ गया इतों, तो कल बंदे 34 यूरो 10 सेंट ज्यादा है। देखो यार ये इंडिया वांगू ही महसूस होया कि जिदा संतरिया दुकाना रेहड़ियां लगिया होंदिया ना सड़कों के उपर, ये उदा ही महसूस होया मैनू इत्थे क्रोएशिया च। पर व्यू बा कमाल, अज जिहड़े रस्ते चो लंघ के जाना वा नैविगेशन के उपर ते ऐ लगन डिया कि समुंदर दे ऐ विचों विच सड़क कई थां ते लंघ के जा रही है। सो देखदे आ अज तां ही थोड़ा जिहा टाइम सिर ते नहीं चले आपां, थोड़ा टाइम सिर चल जांदे ते वधिया रहना सी, बट पहुंचे ही टाइम सिर जाना उत्थे। बस इदा का ही व्यू अज जाते जाते रस्ते च मिलना, जो जिदा मैप दस रहा है उवें का ही व्यू आ। वाह कमाल। तो मौसम का यार मेरी जर्नी ते फर्क जिहड़ा वा, जर्नी ते नहीं इन्ना पै रहा बट जिहड़ियां थिंग्स करनियां उते फर्क पै रहा। जिदा कल मैं जाना सीगा स्पीड बोट लैके, उते प्रॉब्लम पई क्योंकि कैंसल हो गई। अज नाइट उत्थे जाके स्प्लिट एक बोट जिहड़ी आ उह मैं रेंट ते कीती होई आ, होपफुली उत्ते कोई फर्क ना पवे। बस यही है जिहड़ी थिंग्स करनी उत्ते फर्क पै रहा, अदरवाइज जिहड़ा बाकी अपना सब ऑल गुड है। चढ़ती कला जी
अच्छा प्राइस की इथों दे कार दे कैरावैन दे या इतने तो कुछ समझ लगन दी जो हाईवे तो थले उतरांगे फिर पैसे कटणगे। मैं यार हाईवे लिया ही नहीं सी आज अज समुंदर दे कंडे कंडे ते जांदा पिया सीगा। 10 किलोमीटर का हाईवे होना लै के फिर उतर जाना थले। देखते हैं पैसे कितने लेंदे 10 किलोमीटर के किन्ने यूरो लगते हैं। तो जी देखते हैं किन्ने यूरो बनते हैं ये गए तो सिर्फ 7-8 किलोमीटर ही। हाँ जी हेलो चाओ। थैंक यू सर बाय बाय। एक चीज़ का बहुत फायदा जिहड़ा असीं कार रैपिंग कराई है ना वो जर्नी का दूरों ही पता लग जाता लोगों को दसन की लड़ नहीं अपने आप पता बंदे मिशन से चले तगड़े मिशन से। हाँ जी तो उतो आप हूँ जो राइट हाईवे छड़ता तो आप फिर जान लगे हाँ समुद्र के कंडे कंडे दे। ओ आँदी पई जी एक डिफेंडर यार इदा का सी मेरा पहला मन मैंने मिलती पी सी जीज वैगन ते उहदे उपर सोच रहा सी कि इदां ही करना उपर रूफ टेंट ला के सारा कुछ बट अज लग रहा कि वधिया कीता ये डिसीजन नहीं लिया सीगा क्योंकि इहदे विच यार एक प्राइवेसी अपनी हैगी आ अलग फीलिंग आ डांग ते डेरे वाला काम नहीं लगता इहदे च लगता कि अपना घर नाल लैके जा रहे हैं उह ते लगता डांग ते डेरा अगला पिंड मेरा वाली फीलिंग। हाँ जी स्प्लिट इतों 28 किलोमीटर रह गया तो इतों ही तुम जे व्यू के नज़ारे देखने शुरू कर दो। ओ जी सिटी देख रही है वह स्प्लिट ही होए 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 क्या बात है यार की याद करोगे तुम ऑस्ट्रेट इंडिया ट्रिप दौरान हरजीत सिंह होना ने तुम्हें कैसे कैसे व्यू दिखा छड़े ने। लो जी छोटी जी ब्रेक करन का मन होया पहला कॉफी पीने फिर अगे चलते इतों रह गया सिर्फ 20 मिनट का रास्ता होर स्प्लिट सिटी च एंटर होने कफे बार इतों पीने कॉफी। कॉफी ब्रेक खत्म चली अपनी डेस्टिनेशन वाल नू 2 यूरो की कॉफी पी छोटा जहा कप टोटल सन 3 सिप कॉफी दे बट जो भी सी अखा दियां फोटियां उन्हें अज मन सीगा कि थोड़ा टाइम सिर पहुंच जाके जाके सनसैट देखांगे बट सन सन तो इत्थे गौन हो गया वो इवेंट गोन हो गया पता ही नहीं लगा किधर चल गया सन। इतने यार 4:30 नेरा पैंदा सी अज 4 बजे आ ते बस 4:30 नेरा शुरू हो जाणा हुण। हाँ जी वेलकम टू स्प्लिट पहुंच गया जी सिटी दे विच ते वाई वारी आ कमाल कमाल बा कमाल। ओके कट यार सिटी च बढ़ते हैं सारी ने पॉजिटिव वाइब आ रही है फीलिंग चक्कियां गई ने पूरी कमाल दिया क्योंकि जोड़ा रस्ता सी 3 घंटे का बा कमाल रस्ता सीगा समुंदर के कंटे कंटे ते आया ते आण के समुंदर के कंटे ते जो देखी सिटी सिटी च जग रही ने लाइटा ते माहौल बनया पाया बड़े ही कमाल का तो मूड बन गया अपना जबरदस्त वाला। हाँ जी ए फील हो रहा जिमें मैं बैक समर च जा रहा अकॉर्डिंग टू नैविगेशन इतों रह गए 3 मिनट का रस्ता तो नैविगेशन कह रहा है कि बीच के कंडे से अज का कैंपिंग साइड है बस इतों असी लेना राइट टर्न लैके फिर लैफ्ट ले लेना लैफ्ट लैके फिर उ काली मज बजी होनी किले तो उतो फिर आप सीधा चल जाना तो फिर अगे एक बापू बैठा आना खुंडी लैके
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਬਰਗਰ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਵੜ ਮਾਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ। ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪਲਿਟ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪਲਿਟ। ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪਲਿਟ ਦਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਆ। Hi. You just arrived? Yeah. Okay, just park a little bit on the right. Here okay. Reception is closed for 4, but you can make a check-in with me. Okay, sure. ਲਓ ਜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਇਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਟੂਰਮੈਂਟ। ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਵਾਈਬ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨਸ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ। ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ, ਕੈਂਪਰ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। How many days you plan to stay? One night. Because we have zones here, A plus, A, B and C zone. Okay. If you close to the sea, that's the most expensive zone. About 36 euro is the price first roll to the sea. Okay. Park here and you go to your place after check-in. First left here, one second right. Not here. Okay. First left, second run and just follow the road to the sea. And the last place on the right side is yours. Perfect. Restaurant is here, toilet is here, everything is closed from this place. Best place I think in the campsite for the campers. Okay, perfect. Believe me. You have sauna, wellness, jacuzzi and massage here. ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ 36 euro 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਪਾਸ ਪੂਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 36 euro। ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 36 euro, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ, ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਦੂਜਾ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 euro 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 22-29 euro ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾ ਉਹ 36 euro 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਹ ਜੇ 107, ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਵਿਊ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ।
क्रोएशिया दे विच जो मज़ा जो इत्थे बीच दे कंढियां दे कैंपिंग साइट ते जो मज़े सन ये बा कमाल रहे ने। ते अज सिटी नहीं एक्सप्लोर करनी आपां जी, इत्थे रुक के हुण देख लिया गया इत्थे रहना आपां रात। अच्छा ये सारी फैसिलिटियां दे हुण लैणे आपां नज़ारे इत्थे, ते ये है जी वैलनेस। अंदर चलते हैं जाके देखते हैं कि कड़ी फैसिलिटीज इसके अंदर है। साढ़े सात का टाइम है, सिर्फ अद्धा घंटा हो रहा मेरे को जड़ा कि इस जगह का जो भी आ देखते हैं अंदर पहले की कुछ आ। वैलनेस के नज़ारे लै लिया, पहले मैं ट्रेनिंग कर ली थोड़ी जिम के, फिर सोना गया जकूजी के नज़ारे लै लिया, हूँ इस जगह पर पिया हो क्योंकि कमर में ना बहुत रिलीफ मिल रहा लगातार ड्राइव करके। सो इतने 10-15 मिनट इतने होर बैठ के फिर चलते हैं अपने कैंपर को, डिनर का करते हैं प्रबंध जाके। यार मैं ना जो इटली गया तो उत्थे अनिंदर वीर ने मैनू कहा कहिंदा भाजी यार तुसी ट्रैवल के दौरान तुहाडे चेहरे ते इन्नी भी थकावट नहीं हैगी। ये थकावट ना होने का रीज़न यो जो तुम बिल्कुल प्लैन करके अपना जाते हैं तो तुम्हें इदा दिक्कत नहीं आनगियां। तो देखो जो ट्रैवल है ना, मैं तो लगता कि हर एक इंसान को करना चाहिए, एक एक्सपीरियंस लाइफ का करना चाहिए। एको चीज़ के नहीं सिर्फ वो कम करी जाओ, किरत करनी बहुत इंपोर्टेंट आ, बट ट्रैवल भी जरूर करो। वक् वक् दुनिया को एक्सप्लोर करना, लोगों को मिलना, नेचर को देखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। जो दुनिया में असं घूमेंगे देखेंगे नज़दीक जाके देखा ता ही पता लगेगा कि असी लाइफ जी कि जी रहे हैं, तो जिंदगी दुनिया आने के महीने सूँ ता ही पता लगन। मैं लगता ट्रैवल करने वास्ते इन्ने पैसे की लड़ नहीं होंगी, सिर्फ हिम्मत की लड़ होंगी आ। तुम निकलो तो ट्रैवल का मज़ा तो आना ही आना वा। देखो ट्रैवल तो मैनू लगता यार दुनिया के बहुत इंसान, कौन इंसान नहीं घूमना चाहता, घूमना हर कोई चाहता है। बस ये कि हिम्मत थोड़ी दिखाओ, निकलो घरों बहर निकलो, जो निकलोगे तो ता ही थोड़ा इस चीज़ का जोड़ा वा एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो मैं अपने आप में लकी गिणदा कि महाराज ने मैनू उदम बख्शिया जोड़ा कि मैं इस ट्रैवल की इस जर्नी में निकलिया, तो मैं अपना पूरा यार इंजॉय कर रहा। यार थोड़े तो ना मूड पर बहुत इफेक्ट पैदा, जिदा हूँ मान लो मैं ट्रैवल कर रहा है ना उतो जदाद सिटी तो निकलिया, जिमें जिमें अगर नेचर खूबसूरत दिखती है ना थोड़े तो मूड पर बहुत इफेक्ट पैदा। मेरा एक समा आ गया जिथे मूड थोड़ा जहा मान लो सैड होंदा, सैड नहीं मैं कह सकता जब नॉर्मल आ, बट जो एक ऐसी में सोहनी लोकेशन आती है तो लोकेशन के उपर तुसी इन्नी पॉजिटिव वाइब आन रहा, जब सिटी से एंटर होंदे सारी इन्नी पॉजिटिव वाइब आई सी, तो वो यार ता ही पता लगना जो एक नवी जगह पर जावे, नवी जगह एक्सप्लोर करा, नवी जगह को देखा। तो जो मैं महसूस कर रहा मैं लगता शब्दों कहना थोड़ा जहा औखा, जिहड़ा बंदा खुद जो महसूस करेगा वो ताहीं उन्हूं पता लगेगा। सो मैं तो सिर्फ एको वर्ड कह सकता जिहड़ा मैं पहला कह रहा, वाह कमाल मज़ा आ गया, वाइब बहुत वधिया, बट ये वर्ड मैनूं लगता कि बहुत छोटा वा इन्हां इस एक्सपीरियंस लई ते इस मज़े लई जो मैं फील कर रहा हुंदा, क्योंकि मेरे को वर्ड्स नहीं है कि मैं की कहां इहो जी चीज़ां लई। जो इदां दी चीज़ां मिल जांदियां जिदा हुण मैं इत्थे आया, मैं अपने माइंड दे विच सैटअप कीता वी ओके कैंपिंग साइट आ उत्थे रहांगा, उत्थे जाके जे प्राइज़ ज़्यादा होया मिड दे च रह लाँगा, जो आने के प्राइस का पता लगा 36 यूरो होगी, बीच के कंढे से सीधा समुद्र का कंढा नाल ही कैंपिंग ना सारी इन फैसिलिटीज़, तो यार खुशी होंगी इदा। तो मैं लगता कि मैं लकी हूँ यार इस चीज़ लिए कि ये मैं ट्रैवल कर रहा वा कैश टाइम इस जर्नी पर, तो उस तो भी ज़्यादा लकी हूँ कि तुम इन्ना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। वैलनेस के नज़ारे लै लिया, तो स्नान पानी भी कर लिया, हूँ आप चलिए अपने कैंपर वाल। सो ओह सी वैलनेस, हुण चलिए अपने कैंपर वाल। देखो क्या माहौल बनया पिया स्प्लिट सिटी का, क्या बात है। इधरली साइड अपना कैंपर, उत्थे खड़ा जी अपना कैंपर, चलो जी अपने कैंपर को चलिए। वैलनेस के नज़ारे ले आए हैं, तो काफ़ी लेट हो गए इतने, जिहड़ा कि पहुँचना सीगा आपां थोड़ा जिहा टाइम सिर पहुँच जाते, तो आज जी नाइट आप बोट पर जाना सीगा वो एक्सपीरियंस लै लेंगे वो अपना हो गया कैंसल जिहड़ा फिर अज, बट कोई गल नहीं रस्ते च वधिया रहा आण के जिहड़ी कि आप वैलनेस के नज़ारे लै ले हुई इतने आण के। हुण आपां कीता है पास्ता रेडी, हुण छकांगे पास्ता ते नाल देखांगे जिहड़ा लास्ट अपना व्लॉग अपलोड होया। टीम ने बहुत सोहना टीम पिछे काम करन दी आ,
ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਟ ਛਾਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।